केंद्र सरकारच्या अग्निवीर योजनेबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांना निमलष्करी दलाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे। चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निवीरांना पोलीस तसंच निमलष्करी दलाच्या भरतीमध्ये प्राधान्य दिलं जाईल असं सीआयएसएफच्या महासंचालक नीना सिंग यांनी सांगितलं। अग्निवीरों को के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीटी जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। इन तैयारी के अंतर्गत अग्निवीर जो भी एक्स अग्निवीर हैं वो समय पर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे यह सीआईएसएफ भी सुनिश्चित करेगी। यह व्यवस्था जहां एक ओर सीआईएसएफ के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीआईएसएफ को एक सक्षम योग्य एवं प्रशिक्षित मैन पावर मिलेगा। केंद्रीय राखीव पोलीस दलामध्ये माजी अग्निवीरांची भरती करण्याबाबत सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे। अग्निवीरांना लष्कराची शिस्तीची पूर्वकल्पना असल्यामुळे निमलष्करी दलाला सुद्धा प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध कर्मचारी मिळतील असा विश्वास सीआरपीएफचे महासंचालक अनिश दयाल सिंग यांनी व्यक्त केला आहे। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं अगर वे जॉईन करना चाहते हैं सीआरपीएफ तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है और जो सेकंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। और फोर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब ये अग्निवीर जो कि ऑलरेडी आर्मी में ट्रेंड हैं और उन्होंने वहाँ ड्यूटी भी की हुई है तो फोर्स को एक डिसिप्लिन्ड आदमी ट्रेनिंग के समय ही पहले ही दिन से मिल जाएगा और उसका फायदा भी होगा क्योंकि हम उनको उस हिसाब से उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आगे चलते एक हमको आर्मी ट्रेंड व्यक्ति सोल्जर के रूप में मिल जाएगा।